अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी आज दिन के टाइम फिर से नया आप निकल रही है बाहर, और हम लोग अभी थोड़े से कोई काम थे मेरे बाहर के, तो मैंने कहा चलो क्यों ना वो कर लिया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो गाइस बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ना आप लोगों को एक पिंडी अंदरून पिंडी टूर करवाऊं, तो आज मैं जो हूँ ना बाहर निकली हूँ, और रिक्शा हमारा बस ऐसे ही ना पता नहीं किसी गली में फंस चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदरून पिंडी, और मैं आप लोगों को खूबसूरत गलियाँ दिखाऊँगी आज, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है पुरानी। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को विजिट करवाते हैं। तो जी गाइस, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है अंदरून पिंडी का। ये पिंडी की छोटी छोटी सी गलियाँ हैं जहाँ पे लोग इतने आराम और सुकून से रहते हैं, और रहते हैं सुकून से या नहीं रहते ये वही बता सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल में जाकर देखें तो ये गलियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मतलब इतने पुराने ज़माने के घर हैं यहाँ पे, और आप ये दरख्त देख सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब बिल्डिंग में से घर दरख्त निकल रहा है। तो ये भी देख के मैं बड़ी हैरान हुई थी यार, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये देखें पुराने पुराने दरवाज़े, हिंदुस्तानी ज़माने के घर हैं, और हमने सोचा क्यों ना इस सबको आज कवर किया जाए। और पाकिस्तान है तो तारे तो आपको पता है नॉर्मल रोड्स पे भी होती हैं, और ये यहाँ जाके अंदर पूरी सोसाइटी थी, तो इसको मैंने कवर नहीं किया, पता नहीं अलाउ था या नहीं था, लेकिन ये बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और यहाँ पे ये पूरी अंदर गलियाँ जा रही हैं, और फिर हमें मिल गई थी एक छोटी सी दुकान जहाँ पे हमें अपने बचपन की काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो हम बचपन में खाया करते थे। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी यादों को ताज़ा किया जाए और यहाँ से कोई सामान खरीद लिया जाए। देखिए इसमें ये बबल गुगली भी है, नहीं मिलती है कोई गुगली भी है इनके पास। अभी और तुमने क्या लिया? मैंने तो गोलगप्पे लिए। नहीं है आपके पास? ये हाजमूला नहीं है, हाजमीन है। हाजमूला मिल ही नहीं रही कहीं से भी। ये हम बचपन में ये खेलते थे, और बचपन में ये ना चीज खेलती थी यार, 80 रुपए का गया, हमें अम्मी 50-50 रुपए का दिलाती थी। टॉयज है ये सारे बच्चों के लिए, ये सब गली मोहल्ले में ऐसे मिलता है। ये भी है, ये भी नहीं हमने यूज किया है, हम प्लास्टिक की चीज़ें काटते हैं। 20 रुपए का तुम ले लो। और यार ये आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने में ज़रा वो हैंडपम्प वाला था, ये इन्होंने थोड़ी तरक्की कर लिया तो ये घुमा कर इसमें से पानी निकाल रहे हैं। गाइस सामने एक बाज़ार है जहाँ पे बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं, और ये भी अंदरून पिंडी में ही है। अगर आप लोगों को इसका भी विज़िट चाहिए तो आप लोग अभी मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि फिर मैं इसका भी विज़िट करूँगी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ हॉट। सूरज बिल्कुल सर पे है मेरे, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है, मुझे रक्षा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सीरियल बना हुआ है, और ये इसके अंदर डाल के ना कपड़े के अंदर ऐसे ज़बरदस्त तरीके से डाल रहा है, उसके बाद उधर शीरे में डालते हैं। और ये अंकल मुझे लग रहा है कोई बहुत पुराने, मतलब पुराने लग रहे हैं, बड़े पुराने से अंकल लग रहे हैं, और ये बड़े मज़ेदार से जलेबियाँ गर्म गर्म बना रहे हैं। अब हम चले रहे हैं जलेबी। The next morning. Guys, जैसा कि आप लोगों को पता है कल हम लोग लेकर आए थे लहसुन, और हमने सोचा था उसको छील कर हम पेस्ट बना के रख लेंगे। तो अम्मी हमारी ना बनाने छीलने चली थी, और बेचारियों का हाथ जल गया यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर किसी को पता है कि कैसे सही होगा तो लहसुन से जला है ना, लहसुन से जला है, हाँ इस पर छाला बन गया पूरा उंगलियों के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे करने बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ग्लव्स पहन लूँ हाथों में, और फिर इसको करूँ, क्योंकि अम्मी के हो गया तो कहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, अगर आप लोगों को भी किसी को पता है कि ये किस तरीके से मतलब हाथ पे जो छाला निकला उसको कैसे सही करेंगे, तो वो हमें कमेंट्स में बताएं। तो अभी कल जो लहसुन लाए थे उसको हम लोग छील रहे हैं, हमने बनानी है इसकी पेस्ट, ताकि घर में पेस्ट बनी रखी हो। जी गाइस, आज का जो दिन है वो बहुत ही कोई सुस्त गुजरा है, और बस गुजर गया पता नहीं चला ना। तो अब जो है हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चल कर किचन में देखते हैं कि आज खाने में क्या है। खाने में हमारे पास है पाए, अभी तक बकरीद ख़त्म नहीं हुई गाइस, इसीलिए हमने बनाए हैं पाए, और साथ सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो सब्ज़ी में हमारे पास है अरवी, और यहाँ पर बना रही हैं अम्मी, क्या बना रही हैं आप? सैलड। अम्मी सैलड बना रही हूँ। और गाइस ये देखें हमारे घर के मज़ेदार जामुन यार, इतना बड़ा बड़ा जामुन है ये, और इतना कोई मीठा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत शदीद मज़ेदार है। तो अभी हम लोगों ने तोड़वाए थे थोड़े से, तो माशाल्लाह से अब हम लोगों ने खा लिए, थोड़े से बच्चे थे तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी बस हम लोग खाना खाने लग गए, तो मिलते हैं आप लोगों से खाना खा। और शाम में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मेरी अम्मी के हाथ पे ना चोट लगी, अम्मी दिखाएं
लेकिन ये हाथ काम कर कर नहीं रुकते, तो मम्मी के ना ये उंगली पे हाथ आ रहे हैं ना, ये भी दर्द हो रहा है, सॉरी लग गई आपको। तो ये अब ना काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि जो मदर्स होती हैं वो काम करने से नहीं रुकती, जिन लोग जितना मर्जी कर लें लेकिन अम्मियों को काम करना होता है, तो इसीलिए ना हमारी अम्मी जो हैं वो काम अभी भी कर रही हैं और रुकती नहीं हैं। तो अब जो है हम लोग खाना खाने लगे हैं, मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना छाना खा के फ्री हो चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।